वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा और फुकदान पर इजहार बरहमी। वफाकी वज़ीर बराए सनअत को बलूचिस्तान पहुँचने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कल खुद बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, रिलीफ पैकेज पर अमल का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा और फुकदान पर इजहार बरहमी। वफाकी वज़ीर बराए सनअत को बलूचिस्तान पहुँचने की हिदायत। वज़ीर आज़म कल खुद बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, रिलीफ पैकेज पर अमल का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबरा काफ़ली चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोन पर राबता। सालिक हुसैन के वफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, काफ लीग के दोनों वज़रा मुल्की सलामती पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। नए मुखालफीन पर झूठे मुकदमात के लिए इस्तेमाल हो रही थी। मुखालफीन का नाम ईसीएल में डाला जाता था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, ईसीएल के मसाइल हल करने का ऐलान। कहा, 120 दिन से ज्यादा होने पर ईसीएल से नाम निकाल दिया जाएगा। और बलूचिस्तान के इलाके काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद, एक सिपाही जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म का वतन पर कुर्बान होने वाले बहादुर सपूत को खराज अकीदत।